दो क्वेश्चन लास्ट टाइम करे थे, थर्ड क्वेश्चन नोट करिएगा। अ थिन लेंस has a focal length of -25 cm. A thin lens has a focal length of -25 cm. Full stop. What is the power of the lens and what is its nature? What is the power of this lens and what is its nature? A thin lens has a focal length of -25 cm. तो देखिएगा यहाँ पर हमको इन्होंने ये नहीं बताया कि कॉन्केव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसा कुछ नहीं बताया। इन्होंने बोल दिया कि उसकी फोकल लेंथ जो है वो -25 cm है। फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो मैं उसी से समझ गया कि ये जो है ये हमारा कॉनकेव लेंस होने वाला है। कॉनकेव लेंस अगर है या कॉनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगी। कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्वेक्स मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे ये बात गिवन एफ इज इक्वल टू -25 cm since the focal length since the focal length is negative so it is a concave lens. Since the focal length is negative, so it is a concave lens. तो हमने ये कहा कि f जो है focal length इसकी -25 cm दे रखी है। ठीक है, और हमको ये मालूम है कि अगर पावर निकालनी है तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, हमको फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर देना होता है बस। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना होता है कि जो फोकल लेंथ है वो मीटर में होनी चाहिए। और मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया तो ये मीटर बन गया 25 × 100, तो एफ कितना हो गया -1/4 meter। एफ यानी कि हमारी फोकल लेंथ कितनी हो गई माइनस का 1/4 meter। ठीक है, अच्छा, सिंस पावर ऑफ द लेंस पी इज इक्वल टू 1/f, तो सीधा सीधा समझिए ये फोकल लेंथ है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। फोकल लेंथ कितना -1/4, मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करूँगा, जब भी मुझे पावर निकालनी होगी तो मैं फोकल लेंथ को सिंप्लीफाई नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं सीधा उसका रेसिप्रोकल कर दूँगा। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ही पावर कहलाता है। तो हमने क्या करा है यहाँ पर कि पी इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितना आया था -1/4, इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या हो गया -4, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, तो पावर इज -4 डायोप्टर। उन्होंने पूछा था व्हाट इज इट्स नेचर, नेचर पूछा था किसका, लेंस का। लेंस का नेचर मैंने पहले बता दिया कि ये कॉनकेव लेंस है क्योंकि इसका फोकल लेंथ नेगेटिव है, फोकल लेंथ नेगेटिव है। अच्छा एक बात बताओ, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी तो नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि पावर क्या है, फोकल लेंथ का ही तो रेसिप्रोकल है। नेगेटिव टर्म का रेसिप्रोकल लोगे तो भी नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव टर्म का रेसिप्रोकल लोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, याद रखना। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर। अच्छा, दो दिन का टाइम दीजिए, बस दो दिन, बस कोशिश करूँगा, एक दिन नहीं, आपकी जो टेस्ट शीट्स दी थी वो मैं चेक करके दे दूँगा। ठीक है, कल बस लास्ट इनका एग्जाम है फिजिक्स का, कन्फर्म का, उससे फ्री हो जाएंगे तो आपका दे देंगे चेक करके। चलिए जी अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। द पावर ऑफ अ लेंस क्वेश्चन नंबर 4 नोट करें,
द पावर ऑफ अ लेंस इज प्लस 2.5 डायोप्टर इज प्लस द पावर ऑफ अ लेंस इज प्लस 2.5 डायोप्टर फुल स्टॉप. What kind of lens it is and what is its focal length? What kind of lens it is and what is its ठीक. तो पावर ऑफ अ लेंस दे रखी है प्लस का 2.5 डायोप्टर. व्हाट काइंड ऑफ लेंस इट इज एंड व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ. अब क्या है, उल्टा दे रखा है भाई, पावर दे रखी है और वो पूछ रहे हैं फोकल लेंथ बताइए. ठीक है, तो आप ये देखो कि इन्होंने हमको दिया कि प्लस का 2.5 डायोप्टर है, तो हम ये कहेंगे सिंस पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन f. और पावर कितना दे रखा है, प्लस का 2.5 डायोप्टर. तो यहाँ से आप क्या करें, मतलब ये जो 1 अपॉन एफ है यही तो 2.5 है, यही तो 2.5 डायोप्टर है भाई. 1 अपॉन एफ वही तो 1 अपॉन एफ करा था जब फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करा था, वही तो -4 आया था. तो 1 अपॉन एफ ही तो पावर होता है. तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 2.5 डायोप्टर दे रखा है, लेकिन 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 2.5. तो पॉइंट गया है, तो नीचे क्या आ गया, 10 5 5 25 5 5 25 5 2 10. ठीक है. अच्छा, अब क्या करें, इसका रेसिप्रोकल ले लें. टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 अपॉन एफ का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा, एफ. और इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 5. अब ये जो 2 अपॉन 5 आया है ना, ये मीटर में आया है, 2 अपॉन 5 मीटर में आया है. फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर्स. जब भी मुझे पावर निकालनी होती है तो फोकल लेंथ हमारी मीटर्स में होनी चाहिए ना. अब ये मीटर में आया है, मीटर 2 अपॉन 5 मीटर हमने लिख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अपॉन में लिखा थोड़ा अजीब सा लगता है, तो इसको क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो. तो हम क्या करेंगे, एफ है इज इक्वल टू 2 अपॉन 5, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, सेंटीमीटर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से डिवाइड. 5 1 5 5 20 100 22 40. तो एफ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. ठीक है, और एफ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, इसका साइन क्या है, प्लस है, पॉजिटिव साइन है. तो पहले तो उन्होंने पूछा था व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, ये हो गया. वो पूछ रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ लेंस इट इज, ये किस तरीके का लेंस है. तो इसमें और बैठना चाहते हैं, सिंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, सिंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, सो इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. क्वेश्चन नंबर 5 नोट करें, अ लेंस हैज अ पावर ऑफ 2.5 डायोप्टर full stop. What is the focal length and nature of the lens? ठीक है, homework है, अपने आप करना है इसको अपने आप करना. और आप समझ ही गए होंगे कि जब इसकी पावर नेगेटिव में दे रखी है, तो पावर नेगेटिव में आने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा यानी कि फोकल लेंथ निकालूंगा, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव में आएगी. और जब फोकल लेंथ नेगेटिव में आएगी तो लेंस कौन सा होगा, ओके,
वो नेचर ऑफ लेंथ तो हमने ऐसे ही बता दिया, ठीक है, और फोकल लेंथ आप अपने आप निकालना है, सिंपल ये करना है, वन अपॉन एफ करना है। ये मैं छोड़ रहा हूँ, अगला देखिएगा क्वेश्चन सिक्स देखिएगा। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस of focal length 2 meter and the power of a concave lens of focal length and the power of a concave lens of focal length 2 meter. अब देखिएगा, उन्होंने सिर्फ उसकी लेंथ बताई है, लेकिन इस कॉन्केव से मैं समझ जाऊंगा कि मैं फोकल लेंथ को पॉजिटिव तो नहीं लेने वाला, नेगेटिव ही लेने वाला हूँ, ठीक है। कॉन्केव अगर दिखाई देगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव, उन्होंने सिर्फ 2 मीटर दिया है, कोई बात नहीं, हम तो एफ को नेगेटिव लेंगे। एफ इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर, यहाँ लिखें सिंस इट इज कॉन्केव लेंस, एफ इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर सिंस इट इज कॉन्केव लेंस। तो अब ये आपसे पावर पूछ रहे हैं, पावर कैसे निकाली जाएगी, पी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। पहले ये इंश्योर करना होता है कि जो फोकल लेंथ है वो हमारी मीटर में होनी चाहिए, तो फोकल लेंथ इन्होंने मीटर में ऑलरेडी दे रखी है, तो इसका मतलब मुझे इसमें और कुछ करना नहीं है। तो ये कितना हो गया, वन अपॉन एफ मतलब माइनस टू, वन को माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो भी माइनस वन बाई टू ही आएगा, और माइनस वन बाई टू क्या होता है, हाफ, तो माइनस का 0.5 डायोप्टर पावर ये हो जाएगी कॉन्केव लेंस की, माइनस का 0.5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 7 नोट करें, अ कॉन्वेक्स लेंस forms a real and inverted image a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of of 50 centimeter from the lens. Full stop. If the image is of the same size as the needle, where is the needle placed in front of the lens? Where is the needle placed in front of the lens? Question mark. Also find the power of the lens. Also find the power of the lens. ये वाला चैप्टर पढ़ रखा है क्या?
रिफ्रैक्शन से पहले पहले का पढ़ रखा है। अच्छा, ये रिफ्रैक्शन वाला लेंस वाला नहीं करोगे? सर लेंस वाला नहीं पढ़ा, इसको जो उसके पहले एग्जाम दीजिएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं करवाऊँगा इसको। चलिए देखिएगा, जैसे ये है कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स आर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तो आप ना इस पर स्टार मार्क करिए क्वेश्चन को। ये मत सोचना कि ये फोकल लेंथ दे दिया और कह दिया कि पावर बताओ, तो ये इतने आसान क्वेश्चन नहीं आने वाले, क्वेश्चन आएगा ये वाला। ठीक, तो इसमें वो सारी सब कुछ चेक कर लेंगे कि आपको लेंस फार्मूला लगाना आता है कि नहीं, साइन कन्वेंशन आती है कि नहीं, और फिर फाइनली पावर। तो पावर तो बड़े आसानी से निकाली जा सकती है, फोकल लेंथ मिल जाएगी, उसको मीटर में कन्वर्ट करना और उसका रेसिप्रोकल ले लेना। तो अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ द लेंस, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ये क्या दे रखा है 50 सेंटीमीटर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस? इमेज, इमेज। दोबारा पढ़ो, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल at a distance of 50 cm from the lens। तो image जो है वो कहाँ पर बन रही है? lens से 50 cm की दूरी पर। अब real and inverted मेरे को क्या suggest कर रहा है? real and inverted image lens के केस में कहाँ बनती है, right में या left में? right में। तो इसका मतलब क्या होगा, image distance क्योंकि right में बन रही है तो right में बनने वाले सारे के सारे length positive, left में बनने वाले सारे के सारे length negative। तो ये कितना है 50 सेंटीमीटर, तो प्लस का 50 सेंटीमीटर। उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, तो मैं पहले से ही समझ गया कि मेरी फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए। अभी कितनी है ये नहीं पता। इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द नीडल, इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द नीडल, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ऐसे ही बता दो, अगर इमेज का साइज नीडल का, नीडल क्या है, नीडल ऑब्जेक्ट है, अगर इमेज का साइज सेम बन रहा है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? वैसे बताइए रे डायग्राम के हिसाब से 2F पर। ठीक है, 2F पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारी इमेज भी उधर 2F डैश पर बन जाती है। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आता है कि 2F का मतलब क्या है, फोकल लेंथ निकल जाए, फोकल लेंथ निकल जाए तो उसका डबल कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि उन्होंने बोला इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द नीडल, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो अब इसमें हम ये करेंगे, एज वी नो दैट टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ द सेम साइज, image of the same size as the object, bracket में लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं needle, क्योंकि यहाँ पर object क्या है, needle है। To obtain an image of the same size as the object, needle, the object must be placed at twice the फोकल लेंथ, एडवाइस द फोकल लेंथ। ठीक, आप लोगों को रिकॉल कराने के लिए पहले ही आप देख लीजिए कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। आप लोगों को रिकॉल कराने के लिए मैं यहाँ पर फटाफट से इसका डायग्राम बनाता हूँ। देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, एफ डैश बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एफ डैश। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वाले को एफ बोलेंगे, नेगेटिव वाले को एफ डैश। तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो इधर लेंगे एफ और इधर लेंगे 2F। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से होकर गुजरेगी और एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ये आपकी जहाँ पर मिलेगी पॉइंट हमारा है 2F। इसको बोल दीजिए ए डैश, बी डैश। तो इस डायग्राम, ये डायग्राम बनाने का मेरा मोटिव क्या था, पर्पस क्या था, और आप ये देखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट को 2F डैश पर रखा जाता है तो इमेज भी 2F पर बनती है।
वो इमेज डिस्टेंस कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी तो 50 सेंटीमीटर ही होगा। बताइए यहाँ पर ये जो 2f डैश है और ये वाली जो लेंथ है 2f है, बस इसमें f 2f, f डैश 2f डैश, ये जो डैश वाला टर्म है ये सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि वो नेगेटिव के लिए, और जो नॉर्मल f और 2f वाला टर्म है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो पॉजिटिव साइड के लिए है, दैट्स इट बस। तो जो 2f है और जो इधर का 2f डैश है दोनों डिस्टेंस सेम ही तो है। हम यहाँ पर हमको जो है सीधा सीधा इन्होंने क्या पूछा आपसे कि इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द नीडल, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी कि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? समझ गए ना? तो ऑब्जेक्ट भी हमारा 50 सेंटीमीटर पर ही रखा जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये वाला जो केस होता है जिसमें सेम साइज की हमको इमेज मिलती है, इन दिस केस, इन दिस केस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, इन दिस केस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, यू, और इमेज डिस्टेंस है 50, तो 50 ना बोलकर बेटा माइनस 50 बोलूंगा। बताओ क्यों? माइनस 50 क्यों? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, इस वजह से उसको माइनस 50, इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड है तो राइट में बनेगी, तो वो हमारा प्लस 50। ठीक है, तो मेरे पास यू आ गया, वी आ गया, वो क्या पूछ रहे हैं, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो अब मैं लेंस फार्मूला लगाकर एफ की वैल्यू निकालूंगा, उसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा, उसका रेसिप्रोकल लूंगा, तो पावर आ जाएगी। समझ रहे हैं? बाय यूजिंग लेंस फार्मूला वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू, 1 upon f is equal to 1 upon v कितना है 15 minus 1 upon u कितना है minus 15, तो minus minus हो गया plus, 1 upon f is equal to 1 upon 50 plus 1 upon 15, 1 upon f is equal to 2 upon 50, 2 upon 50 को क्या बोलेंगे, 2 1 का 2, 2 25 का 50, 1 upon f is equal to हो गया 1 upon 25, 1 upon f is equal to 1 upon 25। और आप ये देखिएगा कि यहाँ पर अब जो वैल्यू आई है ये सेंटीमीटर में आएगी, तो फोकस कितना हो गया, फोकल लेंथ कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉजिटिव आया है, कुछ गलत तो नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता ही पॉजिटिव, इसका मतलब हमने ठीक करा है। तो फोकल लेंथ इन्होंने पूछा तो था नहीं, अभी क्या करो कि इसको मीटर में कन्वर्ट करो, f is equal to 25 upon 100 meter, 25 upon 100 meter का मतलब क्या हो गया, 25 बचा 25, 25 फोर था 100, इसका मतलब f is equal to 1 upon 4 meter, ये हो गया। focal length तो नहीं पूछा था, power पूछा था, तो power क्या हो जाएगा, therefore power is equal to 1 upon f, बस फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो इसका रेसिप्रोकल एफ का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4, तो 4 डायमीटर पावर हो गया 4 डायमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में लास्ट का भी लास्ट एक टॉपिक और है, नोट करिए, पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ये आसान है, ये जैसे चश्मा आप लगाते हो, चश्मा लगाते हो तो कई बार जैसे ध्यान होगा कि जब चेक करवाने जाते हैं आई साइट, तो वो ना एक अजीब सा चश्मा पहना देते हैं, मोटा सा, और उसमें ना ग्रूव बने रहते हैं, सेक्शंस बने रहते हैं, उसमें वो कहते हैं कि अब दिखाई दिया, फिर दूसरा लेंस डालते हैं, अब दिखाई दिया कि नहीं नहीं अब क्लियर दिख रहा है, अब थोड़ा धुंधला दिख रहा है, तो ऐसे कर करके वो अलग अलग लेंसेज डालते रहते हैं। तो कई बार आपने ना ये नोटिस करा होगा, या हो सकता है ना कराओ नोटिस, मैं बताता हूँ, कभी अगर आँखें चेक करवाने जाना हो तो क्या होता है कि वो एक लेंस डालेंगे, उसको निकालेंगे, फिर दूसरा लेंस डालेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि उनके पास दूसरा पर्टिकुलर पावर का लेंस होता नहीं है, तो वो लेंस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं,
वो एक लेंस डालते हैं उसी के आगे दूसरा भी लेंस और डाल देते हैं, उसी के आगे दूसरा लेंस और डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, बिल्कुल सिंपल फंडा है एडिशन वाला। अगर मान लीजिए हमारी जो आंखों का नंबर है, मान लीजिए 1.5 डायोप्टर है, नंबर का मतलब पावर ही होता है कि हमारे लेंस की पावर कितनी, कितनी पावर का हम चश्मा, कितने पावर का हम लेंस यूज़ करते हैं। मान लीजिए 1.5 डायोप्टर का हम यूज़ करते हैं, अभी जो जहाँ पर हम गए हैं चेक कराने हैं उसने कहा मेरे पास 1 डायोप्टर का है लेंस या फिर 0.5 डायोप्टर का है, मेरे पास 1.5 का डायोप्टर नहीं है, इसके लिए आपको ना भाई साहब वेट करना पड़ेगा एक दो दिन, मैं मंगवा दूंगा। आप कहेंगे नहीं नहीं मेरे को तो आज ही चाहिए, तो वो कहते हैं अच्छा आज ही चाहिए ठीक है तो मैं बना देता हूँ। तो वो कैसे बनाएगा, वो 1 डायोप्टर और 0.5 डायोप्टर, वो दो थे, दो तो थे ना उसके पास, आपका नंबर कितना 1.5, तो वो क्या करेगा 1 डायोप्टर और 0.5 डायोप्टर दोनों को बैक टू बैक चिपका कर लगा देगा। तो इसमें क्या होता है कि जब हम एक के पीछे एक, एक लेंस, दो लेंस, तीन लेंस, चार लेंस, 50 लेंस भी जोड़ देंगे ना, तो सबकी पावर लाइन से ऐड होती चली जाएगी। तो अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक कर रहा हूँ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, वो ये है कि अगर हमारे पास जो हमको डिज़ायर्ड पावर चाहिए, उस डिज़ायर्ड पावर का मान लीजिए हमारे पास पर्टिकुलर एक लेंस नहीं है, तो हम ऐसा कुछ कर लेंगे कि दो लेंस हो, तीन लेंस हो, जिनका एडिशन करके वो डिज़ायर्ड पावर मेरे को मिल जाए। ठीक है, तो नोट करिएगा, मैं एक क्वेश्चन बिठा रहा हूँ। Power of a combination of lenses. Power of a combination of lenses. If a number of lenses are placed in close contact, दिखेगा placed in if a number of lenses are placed in close contact, comma, then the power of the combination of lenses, comma, then the power of the combination of lenses, then the power of the combination of lenses is equal to the algebraic sum of the powers is equal to the algebraic sum is equal to the algebraic sum of the powers of individual lenses.
या रुको, क्वेश्चन से पहले एक काम करिए, एक चीज नोट करना है इसी में। एग्जांपल करके लिखना, एग्जांपल, और फिर ना एक कॉन्वेक्स लेंस बनाओ। कॉन्वेक्स लेंस यहां लिखे प्लस फोर डायोप्टर, ये है प्लस फोर डायोप्टर, फिर एक बना लो कॉन्केव लेंस, और इसकी पावर लिखे माइनस टेन डायोप्टर, ये इनका कॉम्बिनेशन हो गया, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों का कॉम्बिनेशन। मैं ये कहूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, इनका जो कॉम्बिनेशन है उसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, सीधे सीधे आपको दोनों की पावर्स को ऐड कर देना है। तो मैं ये कहूंगा इस कॉम्बिनेशन की पावर कितनी हो गई, फोर, और माइनस टेन कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो, माइनस सिक्स, माइनस सिक्स का आंसर हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। अब सर, अगर हम ऐसे लेंस को कंबाइन कर दें तो फिर लेंस थिक नहीं हो जाता? हो जाएगा ना, थिक हो जाएगा, लेंस थिक हो जाएगा, लेकिन हमारा पर्पस सॉल्व हो जाना चाहिए बस, हमको जो डिजायर्ड होता है ना कि जैसे एक आई का कम है एक आई का ज्यादा, तो एक आई का लेंस थिक हो जाता है और एक आई का कम, तो फिर ऐसे फ्रेम में प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं नहीं वो फ्रेम, जो फ्रेम है वो फ्रेम उसी तरीके से बनाया जाता है, जिसमें पतला लेंस ही लगेगा, और कुछ फ्रेम ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा मोटा लेंस लगेगा। ठीक है, हाँ, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। वैसे भी आजकल तो फ्लेक्सिबल फ्रेम्स आ रहे हैं, lensguard.com। चलिए जी क्वेश्चन नोट करिएगा, टू थिन लेंसेज ऑफ पावर, two thin lenses of power plus 3.5 diopter plus 3.5 diopter and minus 2.5 diopter are placed in contact. Minus 2.5 diopter are placed in contact. Full stop. Find the power and focal length of the lens combination. Find the power and focal length of the lens combination. बेहद आसान भाई, जब पावर निकालनी हो और अलग अलग पावर्स आपको दे रखी हैं, तो आप क्या करेंगे, पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, तो पी इज इक्वल टू पी वन कितना दे रखा है 3.5, और पी टू कितना है माइनस का 2.5, 3.5 माइनस 2.5 कितना हो गया 1, तो प्लस 1 डायोप्टर, प्लस 1 डायोप्टर हो गया। हाँ जी, अब इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे, पी इज इक्वल टू 1/f, और पी कितना है 1, उनका रेसिप्रोकल भी 1/f, उनका रेसिप्रोकल भी 1, इट इंप्लाइज दैट f इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो जी इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है, फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर खत्म होता है। अगला देखते हैं जरा आपके जो डाउट्स हैं।
वो देखता हूँ दे रहा हूँ मैं। चलिए जी, अब इसके बाद दो डाउट्स बता रहा हूँ, आप में से भी सभी बच्चे ट्राई करिएगा, किसी के कोई डाउट्स आए तो पूछना मेरे से। हाँ जी, नोट कीजिएगा। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म of the image formed when the object is placed at a distance of 20 centimeter. Object is placed at a distance of 20 centimeter. 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो देखिए लेंस कर रहे थे, अब क्वेश्चन जो है ये मिरर का है, तो ध्यान दीजिएगा। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो आप ये देखिएगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दे रखा है, व्हिच इज ऑलवेज नेगेटिव, u इज -20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। मैंने बताया था कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। तो f इज इक्वल टू, क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब बाय यूजिंग लेंसेज में क्या यूज कर रहे थे, लेंस फॉर्मूला, मिरर में क्या यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला। बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला में क्या होता है, वन अपॉन v प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। सर इस क्वेश्चन को पैरेंटली कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ नेचर बताने हैं इमेज का। दूसरा का नेचर का इमेज फॉर्म बनता है बिल्कुल मोस्ट, यह तो सही है नेचर ही। इसलिए मैंने क्योंकि इसमें वैल्यू दी हुई है और नेचर ही पूछा है। तो नेचर पूछा तो नेचर क्या होगा बताओ, कॉनकेव है, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड पक्का। नेचर पूछा है और नेचर से मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के डबल पर रखा हुआ है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है तो हमारी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा सर, रियल एंड इन्वर्टेड। अगला देखते हैं जी डाउट।
अगला देखिएगा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, mirror, at what distance from a concave mirror of focal length 10 cm should an object erect image 6 cm tall, in order to get an erect image 6 cm tall. हाँ जी, अब आप ये देखिएगा, at what distance from a concave mirror of focal length 10 cm should an object 2 cm long be placed in order to get an erect image 6 cm tall. तो 6 cm लंबी एक erect image चाहिए. अब at what distance, तो इसमें भी वही वाला डाउट हो रहा है, तो उसको कहाँ पर रखें, एग्जैक्ट पोजिशन बतानी है यहाँ पर कि कहाँ पर रखना है उसको. जैसे हमको पता चल गया ये कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर में पहला वाला ही केस होता है जिसमें पोल और फोकस पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तभी मेरे को वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है. ठीक है, लेकिन वो पोजीशन बतानी होगी हमें, तो यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो कॉन्केव मिरर है उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो कितना हो गया माइनस का 10 सेंटीमीटर, object 2 cm long be placed in order to get an erect image 6 cm tall. Erect image 6 cm tall. तो object की height कितनी दे रखी है 2 cm. Object की height हमेशा positive होती है. फिर जब ये erect image बोल रहे हैं, erect image मतलब सीधी image जब ये बोल रहे हैं, तो उसकी भी height कितनी होगी 6 cm plus का होगा. ठीक, तो हमारे पास h1 और h2 आ गया. h1 और h2 की help से H1 और H2 की हेल्प से मेरे को क्या निकालना है, वो बोल रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u पूछ रहे हैं वो. तो हमारे पास m कितना होता है इसमें, माइनस का v अपॉन u, मिरर में बता रहा हूँ माइनस का v अपॉन u, और या फिर इसको H2 अपॉन H1 भी बोल सकते हैं. तो यहाँ से माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू H2 upon H1 कितना है 6 upon 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो minus V is equal to U, इधर 3 से multiply हो गया, ये हो गया 3, V is equal to minus 3, ये हो गया. तो अब आगे देखिएगा, यहाँ पर मैं ये कहूँगा, मैंने V को निकाल लिया U की terms में, क्योंकि मुझे निकालना ही U है. अगर वो बोलते हैं ना कि इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो फिर मैं यू को वी की टर्म्स में निकालता हूँ, यू को लिख देता हूँ माइनस का वी अपॉन थ्री. यहाँ कहेंगे भाई यूजिंग मिरर फॉर्मूला वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ. नहीं,
दोबारा बोलूंगा समझा नहीं क्या माइनस वी की वैल्यू 3u है कैसे हुआ भाई मैग्नीफिकेशन माइनस वी अपॉन यू होता है मिरर के केस में ठीक है और मैग्नीफिकेशन एच टू अपॉन एच वन भी होता है मेरे पास एच टू और एच वन है तो चाहे माइनस वी अपॉन यू बोलो चाहे एच टू अपॉन एच वन बोलो दोनों एक ही बात है तो दोनों इक्वल हुए अब माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू सिक्स अपॉन टू तो ये टू थ्री सा सिक्स थ्री आ गया तो इधर केवल थ्री बचा तो यू को इधर ले जाएंगे तो थ्री यू हो गया माइनस वी इज इक्वल टू थ्री यू बोलो या वी इज इक्वल टू माइनस थ्री यू बोल दो एक ही बात है ना माइनस साइन को उधर ले दो तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि वी की जगह डाल देंगे माइनस थ्री यू वन अपॉन माइनस थ्री यू प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ कितना है माइनस टेन वन अपॉन माइनस टेन ये हो गया माइनस वन अपॉन थ्री यू प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन टेन थ्री यू और यू का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री यू थ्री यू और यू का एलसीएम लेंगे तो थ्री यू ही आ जाएगा तो ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज माइनस वन यू में क्या मल्टीप्लाई करूँगी थ्री यू आ जाएगा थ्री और थ्री बनता थ्री तो प्लस का थ्री इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टेन माइनस वन प्लस थ्री कितना हो गया टू अपॉन थ्री यू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टेन थ्री यू इंटू माइनस वन माइनस थ्री यू इज इक्वल टू ट्वेंटी तो यू इज इक्वल टू ट्वेंटी अपॉन माइनस थ्री थ्री सिक्स एटीन ट्वेंटी माइनस एटीन कितना हो गया टू टू जीरो ट्वेंटी सिक्स हाँ जी तो यू इज इक्वल टू माइनस का 6.67 सेंटीमीटर ठीक है ऑब्जेक्ट को इतनी डिस्टेंस पर हम रखेंगे समझ गए चलिए जी इतना ही कर लीजिए तो इसके साथ आप सर मेरा एग्जाम में मुझे केमिस्ट्री में बताओ सर जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है डीकंपोजिशन तो अगर हम लिखे Mg plus O is equal to MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हम ऐसे Mg plus O2 हमने लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड हाँ तो सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा हाँ कॉम्बिनेशन होगा बिल्कुल और सर अगर हम इसी को MgO एरो Mg plus O2 लिखे तो वो डीकंपोजिशन कह सकते हैं उसे अच्छा देखिए ये देखना पड़ेगा असल में क्या है कि ना सारे रिएक्शन ऐसे नहीं होते जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये हमारा एम जी ओ आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया तो ये सारे रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होते कि अगर वापस मैं इसको स्प्लिट करने की कोशिश करूँ तो मुझे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल जाएगा तो सारे रिएक्शन नहीं होते जो वापस उनको वही प्रोडक्ट देते हैं मतलब जो रिएक्टेंट्स था वो प्रोडक्ट बन जाए और जो प्रोडक्ट थे वो रिएक्टेंट्स बन जाए लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कोई रिएक्शन है जैसे मान लीजिए एम जी ओ है और आप कहते हैं कि एम जी ओ स्प्लिट होकर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में टूट जाता है तो यस उसको डिकम्पोजिशन बोलेंगे लेकिन इस रिएक्शन में ऐसा हो ये ट्रू नहीं है ये ज़रूरी नहीं है ओके सर एंड केमिस्ट्री जो मैंने जितनी भी रिएक्शन करवाई है ना वो रिएक्शन कर जाना सारी की सारी हाँ कर लीजिए ओके कर लीजिए और कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा चलो मैं भेजता हूँ कुछ सर मैंने आपका लास्ट में एमबीए वाला क्वेश्चन पूछा था सर उसका आपने सर आंसर डीकंपोजिशन बताया था बट सर मैंने देखा तो सर लास्ट क्या ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो बताया और उसके माफ कर दिया सवाल है कॉम्बिनेशन चलो कल देखता हूँ मैं आपका हाँ सर सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर केमिस्ट्री में वो जाएगा सर सर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोजिशन है ना सर उसके अंदर कौन सी गैसेस इवॉल्व होती है और हाइड्रोजन डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की होती है सर अच्छा तो ये देखता तो वेरी इंपॉर्टेंट है सर चलो मैं देखता हूं कल बताइएगा आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताइए सर एक लास्ट क्वेश्चन आओ कि जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो किसी रिएक्शन के सब पार्ट होते हैं या फिर वो अलग ही रिएक्शन होते हैं जिसके लिए ही इवॉल्व ये जैसे कॉम्बिनेशन है और डीकम्पोजिशन है डिस्प्लेसमेंट है सिंगल डिस्प्लेसमेंट है ये आप ये समझ लीजिए कि इन सभी रिएक्शंस में अगर टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है तो हम ये कहेंगे कि हीट जनरेट हो रही है कोई भी रिएक्शन हो ये चारों कैटेगरी में कोई भी रिएक्शन हो जिसमें भी टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाए तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हीट जनरेट हो रही है तो जहाँ पर भी हीट जनरेट होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा
और जहाँ पर आपने कोई गर्म रिएक्टेंट्स डाले और गर्म रिएक्टेंट्स डालने के बाद में आपने टेस्ट ट्यूब को टच करके देखा, टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर कम हो गया, ठंडी हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर ली रिएक्टेंट्स ने आपस में, उसको एंडोथर्मिक बोलेंगे। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक अलग टाइप नहीं है, जिस भी रिएक्शन में चाहे वो कॉम्बिनेशन हो, चाहे डिकम्पोजिशन हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, जिस भी रिएक्शन में हीट लिबरेट हो जाएगी वो एक्सोथर्मिक होगा, जिसमें हीट लिबरेट नहीं होगी, हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, चलिए, ओके ओके। अरे नहीं, ठीक है सर, आगरा जा रही हूँ। बताइए सर, ऑनलाइन क्लास में।